हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। डेली मेरे द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आती हूँ आज के जितने भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से एक एक करके करूँगी। फर्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों से जिसके विषय में बात करूँगी वह स्वामित्व योजना के विषय में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर को भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण को प्रारंभ किया जाएगा। यदि हम इस योजना के विषय में बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत 1 लाख भू संपत्ति मालिक मोबाइल फोन पर प्राप्त SMS के लिंक से संपत्ति कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना से 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 346 गांव शामिल किए गए हैं। इस योजना से वित्तीय संपत्ति की तरह भूमि के मालिक अपनी भू संपत्ति का प्रयोग कर सकेंगे। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को की थी। इस योजना का उद्देश्य रिकॉर्ड ऑफ राइट ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण करना है। 4 चरणों में इस योजना को पूरा की जाएगी। 2020 से 2024 तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें कुल 6.62 लाख गांव शामिल किए गए हैं। वर्ष 2020 से 2021 में 1 लाख गांवों को शामिल किया गया है। संपत्ति कार्ड को हरियाणा में टाइटल डीड, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख और उत्तर प्रदेश में घरौनी, हरियाणा में टाइटल डीड कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अर्थ शॉट पुरस्कार के विषय में बात करूंगी। पुरस्कार के क्षेत्र में एक नए पुरस्कार की घोषणा ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा की गई है, जिसका नाम अर्थ शॉट पुरस्कार है। इस पुरस्कार को जीतने वाले को $50 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों के नवीन समाधानों का वित्त पोषण करना है। वर्ष 2021 से 2030 तक यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रिंस विलियम के द्वारा दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पहला पुरस्कार समारोह वर्ष 2021 में लंदन में आयोजित होगी। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो वर्ष 2030 तक कम से कम 50 समाधान समस्याओं के लिए प्रस्तुत करेंगे। यह पुरस्कार प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन दोनों की ओर से अब तक का सबसे बड़ा पहल कहा जा रहा है। यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा शुरू किए गए मून शॉट पुरस्कार से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसमें मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने के लिए एकजुट किया गया था। इस पुरस्कार में 5 अर्थ शॉट्स हैं। पहला प्रकृति की रक्षा एवं पुनःस्थापना, दूसरा स्वच्छ वायु, तीसरा महासागर, चौथा अपशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण और पांचवा जलवायु को ठीक करना। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जोशुआ चेप्तेगई के विषय में। युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस धावक जोशुआ चेप्तेगई के द्वारा 10,000 मीटर में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। इनके द्वारा 15 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। इनके द्वारा 6 सेकंड के अंतर से यह रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 2005 में इथोपिया के कने निसा बकेले के द्वारा 26 मिनट 17.53 सेकंड के समय का रिकॉर्ड रहा है। जोशुआ के द्वारा 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी चेतन आनंद के विषय में। भारत के शटलर चेतन आनंद को प्रथम बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चेतन आनंद राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता हैं। इन्होंने मेलबोर्न में 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चेतन आनंद की बैडमिंटन एकेडमी के साथ ट्रांसफॉर्म कंपनी ने साझेदारी प्रारंभ की है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी प्रोफेसर एडुआर्डा पिमेंटेल के विषय में। क्यूबा योग एसोसिएशन के अध्यक्ष और संस्थापक प्रोफेसर एडुआर्डा पिमेंटेल 30 सालों से क्यूबा में योग सिखा रहे हैं। इन्होंने 2018 में
टू सेशन डू योगा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे कोयला मंत्रालय के विषय में बात करूंगी। भारत के कोयला मंत्रालय के द्वारा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तथा आकर्षित करने के लिए वेबसाइट प्रारंभ किया गया है। इस वेबसाइट को ऑल इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग, सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी भारत निर्वाचन आयोग के विषय में। भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन हेतु परामर्श प्रसार भारती के परामर्श के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट तथा टेलीकास्ट चुनाव प्रचार की समय सीमा को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी विश्व बैंक के विषय में। विश्व बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 तक लगभग 150 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी नोबेल पुरस्कार के विषय में। फ्रांस की इमैनुअल चारपेंटियर तथा अमेरिका के जेनिफर डांडना को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जीनोम एडिटिंग पद्धति को विकसित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के विषय में बात करूंगी। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को ड्रूल्स कंपनी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह कंपनी बिल्ली और कुत्तों के लिए पौष्टिक रेडीमेड भोजन का निर्माण करती है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी परम सिद्धि AI के विषय में। परम सिद्धि AI भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जिसे CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर हैं जो अरबों और खरबों की गणना प्रति सेकंड में कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो रहा था वह परम है। नेक्स्ट आप लोगों से डिजिटल सेवा सेतु के विषय में बात करूंगी। गुजरात राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के नागरिक पंचायत स्तर पर लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ बात करूंगी सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 की तुलना में 2019 में सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे तेज गिरावट 6% की आई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी 2020 नोबेल शांति पुरस्कार के विषय में। नॉर्वे नोबेल समिति के द्वारा 2020 शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों को सहायता करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम में दे देने की घोषणा की है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी नित्यानंद नायक के विषय में। नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2017 में प्रकाशित सैट एबे लाकू नाथिबा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी नीलेश शाह के विषय में। भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अध्यक्ष के रूप में नीलेश शाह को फिर से चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल के विषय में। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी के द्वारा कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया गया है। भारत में पहली बार इस नाइट्रेट का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी अमेजॉन इंडिया के विषय में। भारत की ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने IRCTC के सहयोग से ऑनलाइन आरक्षित ट्रेन टिकट बुकिंग प्रारंभ की है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी विशार अल खसावने के विषय में। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में विशार अल खसावने को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी मनोज कुमार के विषय में। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है प्रदीप कुमार रावत के विषय में। प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड्स में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं।
इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा यह वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित जो बनाया गया है आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।